नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। वारा सिवनी के गांधी बाल उद्यान में बच्चों का सैलाब, छुक छुक गाड़ी में बैठने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। सही में खुशियां क्या होती हैं और खुशी देने वाले के चेहरे पर चमक क्या होती है, ये समझ में आया। जैसे ही गुड्डा भैया ने टॉय ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, वैसे ही बच्चों के कोलाहल को सुनकर प्रतीत हुआ कि क्या हम वारा सिवनी में हैं। दूसरी ओर गुड्डा भैया ने भी स्पष्ट करा दिया है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को दरकिनार कर क्षेत्र की जनता ने ट्रैक्टर को जिताकर साबित कर दिया है कि क्षेत्र की जनता का निर्णय साधारण नहीं असाधारण है, तो क्षेत्र का विकास भी असाधारण ही होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर नगर सहित पूरे क्षेत्र में असाधारण विकास कार्य हो रहे हैं। आज वारा सिवनी में क्या नहीं है, महानगरों की तर्ज पर संपूर्ण क्षेत्र का विकास हो रहा है। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल चौक से महात्मा ज्योतिबा फुले चौक तक हाई मास्क स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण किया गया। योगातीतों की मांग पर गांधी बाल उद्यान में योग शेड एवं पाथवे की आधारशिला रखी गई। विश्व पर्यावरण को देखते हुए खनिज विकास निगम अध्यक्ष सहित अन्य अतिथियों के हाथ से दर्जन भर से अधिक फलदार, फूलदार एवं छायादार वृक्षों का पौधारोपण किया गया। श्री जायसवाल ने पौधारोपण कर सभी पौधों को पानी की सिंचाई कर नगरपालिका अधिकारी कर्मचारियों को उक्त पौधों की देखरेख करने के निर्देशित भी किया गया। गौरतलब है कि योग शिक्षक श्री भेजेंद्र चौधरी द्वारा साल के 12 महीने गांधी बाल उद्यान में योग प्रशिक्षण दिया जाता है, जो बरसात के समय बंद कर दिया जाता था, जिसके कारण योग प्रशिक्षार्थियों को भारी परेशानी होती थी। श्री जायसवाल द्वारा योग शेड का भूमि पूजन किए जाने को लेकर समस्त योग साधकों ने श्री जायसवाल का आभार व्यक्त किया। नगर के समस्त मुख्य मार्गों में श्री जायसवाल द्वारा महानगरों की तर्ज पर रोशनी किए जाने के वादे को लेकर आज दीनदयाल चौक से महात्मा ज्योतिबा फुले चौक तक हाई मास्क स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण किया गया। गौरतलब है कि नगर के अंदर भी सभी मुख्य मार्गों पर हाई मास्क स्ट्रीट लाइट लग चुकी हैं, जिसमें कटंगी रोड, लालबर्रा रोड, बालाघाट रोड एवं रामपायली रोड पर हाई मास्क लगाकर नगर को दुधिया रोशनी से भर दिया गया है। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? स्वेच्छा जैन। अभी गार्डन में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, देख के बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर ट्रेन स्टार्ट हुई है। हम लोग भी बचपन से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये ट्रेन की सुविधा मिली, ये सुन के मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों ज़्यादा, उनकी मम्मी या माता भी बहुत ज़्यादा खुश है? हाँ, बहुत खुश है, लेकिन हमारा ये सवाल है कि हमारे समय में ट्रेन क्यों नहीं आई, अभी क्यों? हमें भी ऐसा मौका मिलता तो हमारा बचपन शायद और भी ज्यादा अच्छा रहता, ट्रेन में बीता होता काफी कुछ। यानी बचपन की अधूरी बातें दिमाग में है आज? हाँ बिल्कुल, गार्डन तो पहले से बहुत अच्छा हो गया है, काफी और उसमें सुधार और कुछ ना कुछ एड ऑन होते जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं स्पेशली गुड्डा भैया का थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतना सुविधा यहाँ पर मतलब स्टार्ट करवाई है, और साथ ही हमारे घर के सामने और यहाँ पर इतनी सारी लाइटिंग कराए हैं, एंड जो भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं उनसे बोलूँगी कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और सुधार करते रहिए, लोग भी आपसे बहुत खुश हैं। थैंक यू गुड्डा भैया, स्पेशली थैंक्स टू यू। कहाँ से आई हो गुड़िया? देवरी, महाराष्ट्र से आई हो? अरे भाई, वहाँ तुम्हारे देवरी में ट्रेन है क्या थी बच्चों की? नहीं। ट्रेन है नहीं वहाँ पे? अरे यार, तो यहाँ क्या, यहाँ अभी ट्रेन में तुम घूमे क्या? यस। कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी कैसा लगा ट्रेन में? बहुत मजा आ रहा है। मजा आया? रोज आ, रोज जाऊंगी? बिल्कुल। गुड़िया कहाँ रहते तुम? इंदौर रहते हो? इंदौर, इंदौर से आयो? हाँ। कैसा लगा अभी ट्रेन में घूम के? बहुत अच्छा लगा। लगा? गुड्डा मामा। थैंक यू गुड्डा मामा, है ना? वहाँ इंदौर में आपने घूमा क्या ट्रेन में? ऐसा इंदौर में ट्रेन नहीं है? इंदौर शहर में सर नहीं ऐसी ट्रेन है, बच्चों की ट्रेन है नहीं इसी तरह से जो बच्चों की ट्रेन चल रही है, ये भी पूरे महाकौशल क्षेत्र में छिंदवाड़ा के अलावा आपको सिर्फ इंदौर भोपाल में ट्रेन मिलेगी, और छिंदवाड़ा के बाद सीधे वाराणसी जाएंगे। बालाघाट तो आप छोड़ दो, आज कलाजगढ़ के बच्चे पिकनिक मनाने वाराणसी आते हैं, बालाघाट के बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे पिकनिक मनाने वाराणसी गार्डन आते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और आज हमने हमारे जितने सामाजिक संगठन यहाँ उपस्थित हैं, इनके अनुरोध पर और इनके मार्गदर्शन मिलने पर हमने योगा सेट का भी यहाँ पर भूमिपूजन किया है। बच्चों के जो झूले थे पुराने हो गए थे, सारे झूलों को हमने बदल दिया है,
और सारे नए झूले रिजर्व पट्टी हटे आ गए। तो आज इस ऐतिहासिक दिन में मैं वाराणसी के नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरिता दादरी जी, हमारे उपाध्यक्ष प्रीति शिव जी, हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरिता जायसवाल जी, सभी हमारे सम्मानित पार्षदगण, सभी हमारे सम्मानित मंच नेतागण उपस्थित है, सभी संगठन के सभी लोग बच्चे उपस्थित है। तो यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए और वाराणसी के विकास में आपका एक अहम योगदान रहा है, क्योंकि आपने जो निर्णय किया था पिछले बार ट्रैक्टर का, ये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है, असाधारण निर्णय। और जब आप सबने ऐतिहासिक निर्णय किया कि सारी राष्ट्रीय पार्टी को एक तरफ करके ट्रैक्टर को जिताया, इस असाधारण निर्णय को देखते हुए यहाँ पर विकास के कार्य भी असाधारण होना चाहिए। देखो कि शमशान घाट भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि शमशान घाट है, और अभी हम इसके आगे बढ़कर एक स्टाफ डैम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर टोंडा नाला पर, और स्टाफ डैम कम घाट वो भी ऐसा लगेगा कि हम गार्डन में आए, क्योंकि बड़े शहर में हम देखते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ कर रहे हैं। सड़कों के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, स्ट्रीट लाइट के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारे जो स्टेडियम है रानी वंती भाई स्टेडियम उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या आपने असाधारण निर्णय लेकर ट्रैक्टर से आपका चुनाव जिताया, ये ट्रैक्टर की ताकत है, पीते पीते थक जाओगे। आज बालाघाट शहर में जगह शहर के अंदर जिला मुख्यालय के अंदर दोनों जून पानी पर नहीं मिलता, बूंद बूंद पानी को तरस रहे शहर की जनता, 10 साल से पानी की टंकी नहीं बन पाई, 10 साल से नल जल योजना पानी में पड़ी हुई है, हमने 2.5 साल के अंदर पानी की टंकी बनाकर पानी चालू कर दी। आज हमारे वार्ड नंबर 10, 11, 12 में पानी की दिक्कत जा रही थी, क्यों? क्योंकि तीनों वार्ड हमारी ऊंचाई पर पड़ते हैं, हमने वहां पर 3.5 करोड़ की लेकिन नई टंकी, वहां पर भी जब पानी की टंकी बन जाएगी तो हमारे लोगों को पानी के लिए पंप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना पंप लगा दूसरी मंजिल तक पानी पहुंचेगा, हमारे महिलाओं को समर्पित ये पानी की टंकी है, क्योंकि वाराणसी फैलाजी क्षेत्र की जनता, वाराणसी शहर की जनता इसके जैसे जागरूक और दूरदर्शी जनता मैंने अभी तक नहीं देखा, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दूरदर्शी क्षेत्र के मतदाता है, क्षेत्र जनता है, वो वाराणसी फैलाजी क्षेत्र की जनता है, कारण पूरे मध्य प्रदेश में जायसवाल की चर्चा चलती है कि दुनिया में कमल जीतता, दुनिया में पंजा जीतता, लेकिन वाराणसी में ट्रैक्टर जीत जाता है, जो कभी लाइन में खड़ी नहीं होती है, जहाँ खड़ी होती है लाइन वहीं से शुरू होती है वाराणसी क्षेत्र की जनता, तो काम क्यों नहीं होगा? जैसी जनता वैसा नेता, और जैसा नेता वैसी दुनिया, ताली दोनों ऐसे बस्ती है, हमारा आपका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा आपका पारिवारिक संबंध है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। दुनिया में कोई भी लहर चलती होगी मध्य प्रदेश में, भारत में कोई भी लहर चलती होगी, लेकिन वाराणसी धलाजी क्षेत्र में कभी कोई लहर नहीं चलती, वाराणसी क्षेत्र की जनता की लहर अपने आप में अलग ही लहर चलती है, इसलिए पूरे क्षेत्र में जनता की पहचान बन चुकी है। और बाबा क्षेत्र पूरे भारत में ऐसी पहली विधानसभा क्षेत्र है जहाँ विधायक भी निर्दलीय है, हमारी नगर पालिका भी निर्दलीय है, और जनपद पंचायत खानदान जी भी निर्दलीय है, पूरे भारत में अकेली नगर पालिका, अकेला काम नहीं होता, भाषण देना अलग चीज है, काम करना अलग चीज है, लंबे लंबे झंडे लेके निकल गए लोग, है ना, लेकिन जब कोरोना चल रहा था इतनी मुसीबतें आई, बाढ़ आई, कोई नेता को नहीं दिख रहा था, कोई झंडा नहीं दिख रहा था, लेकिन अब ये सब चीज होगा, लेकिन तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझते हैं, हम अपने ट्रैक्टर की ताकत पर भरोसा रखें, हम अपने मन पर आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो निर्णय लेने की शक्ति है, उस शक्ति पर आप भरोसा रखो, तो निश्चित रूप से आने वाला वाराणसी क्षेत्र, अभी तो ये टेलर में बोल रहा हूँ, ये टेलर है, ये अभी पिक्चर बाकी, हमको पिक्चर भी बनाना आने वाले समय पर, क्यों हमारा आपका समय चाहे जैसा निकला, लेकिन हमको वाराणसी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे युवा साथी है, उनके लिए अभी भी बहुत कुछ करना शेष है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना है, शिक्षा के क्षेत्र में करना है, सब तब तो राजनीति है, काम है तो राजनीति, राजनीति किस काम का? और हमने ऐसे बच्चों को भी जोड़ा है, बच्चों की खुशी हमने आज ट्रेन चालू की, महिलाओं की खुशी के लिए हमने गार्डन बनाया, गार्डन पहले गार्डन क्या था बताइए, आज क्या?
यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर